ए पंडित, ऊपर वाले ने जमीन का तेरे मालिक का नाम लिखा है क्या? ये जमीन हम लोगों की है और ये जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता। देवा, 20 साल पहले से छोड़ के गया था, तब ये नाराज था, अब भी नाराज है। 20 साल में कुछ बदला ही नहीं यार। तू भी तो नहीं बदला यार, जो प्यार पहले तेरी आंखों में था आज भी तो वही है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी फिल्म नाराज के बारे में, और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म नाराज एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 19 अगस्त 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है मुकेश भट्ट और फिल्म को निर्देशित किया है महेश भट्ट ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, सोनाली बेंद्रे, गुलशन ग्रोवर, भरत कपूर, अवतार गिल, राणा जंग बहादुर, सोनी राजदान, मुश्ताक खान, वीरेंद्र सक्सेना, गेविन पैकार्ड और जावेद खान ने। फिल्म के गीत लिखे हैं कतील सिफाई, फैज अनवर, हसरत जयपुरी, देव कोहली, राहत इंदौरी, जमीर काजमी और माया गोविंद ने, तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 7 गाने हैं, जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अलीसा चिनोय, इला अरुण और मुकुल अग्रवाल ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 4.7 की रेटिंग मिली हुई है और 54% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.8 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 2.15 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3.87 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, 1992 में जब फिल्म की घोषणा की गई थी, तब इस फिल्म का नाम कलयुग रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर नाराज कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, 1992 में जब फिल्म को कलयुग के रूप में लॉन्च किया गया था, तब इस फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन, पूजा भट्ट, लीजा रे और मिंक सिंह को साइन किया गया था, लेकिन बाद में अजय देवगन फिल्म से बाहर हो गए तो उनकी जगह अतुल अग्निहोत्री को साइन कर लिया गया। फिर लीजा रे की जगह सोनाली बेंद्रे को ले लिया गया और मिंक सिंह का रोल फिल्म से हटा दिया गया। फिर संजय दत्त के जेल जाने के कारण वह भी फिल्म से बाहर हो गए, तब उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को ले लिया गया। फैक्ट नंबर 3, महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम की सफलता के बाद महेश भट्ट ने राजेंद्र कुमार, राखी गुलजार, कुमार गौरव, माधुरी दीक्षित, नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी को लेकर नाराज नामक एक फिल्म शुरू की थी, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से फिल्म नहीं बनी। दशकों तक ये कहीं इंडस्ट्री में रहने के बाद भी महेश भट्ट और अमरीश पुरी को कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिला। फिर कई सालों बाद महेश भट्ट ने अलग स्टार कास्ट और अलग कहानी के साथ नाराज नाम से एक और फिल्म बनाई। फैक्ट नंबर 4, 1993 में रिलीज हुई फिल्म तड़ी पार के बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट के साथ मिथुन चक्रवर्ती की यह दूसरी फिल्म है। फिल्म के तीनों मुख्य कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट इस फिल्म के बाद 1995 में रिलीज हुई फिल्म गुनहगार में फिर से एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी गैर हाजिरी में उनके सहायकों ने सिल्क स्मिता पर एक गाना फिल्माया। जब महेश भट्ट अस्पताल से वापस आए तो उन्होंने गाना देखा और क्रोधित हो गए। गाना बेवकूफी भरा और अश्लील लग रहा था, उन्हें यह पसंद नहीं आया। अंततः इस गाने को सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटा दिया।
फैक्ट नंबर 6, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए गए 1993 में रिलीज हुई फिल्म मेहरबान के गाने अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते के बोल नाराज के गाने अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक ने गाया था। लेकिन जब महेश भट्ट को एहसास हुआ कि इसी बोल के साथ एक गाना पहले फिल्म मेहरबान में इस्तेमाल किया गया था तो नाराज का गाना फिल्म से हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, अभिनेता कुणाल खेमू ने इस फिल्म में अतुल अग्निहोत्री के बचपन की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 8, सोनाली बेंद्रे की बतौर अभिनेत्री यह दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म गोविंदा के साथ आग है, जो इस फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 9, अतुल अग्निहोत्री की मिथुन चक्रवर्ती के साथ यह पहली फिल्म है। हालांकि अतुल अग्निहोत्री ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 1983 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म पसंद अपनी अपनी से की थी, जिसमें दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। फिल्म की शुरुआत में दोनों की बचपन की भूमिका लगभग एक ही उम्र की है, लेकिन बड़े होने के बाद दोनों पात्रों के बीच उम्र का अंतर दिखाई देने लगता है। असल जिंदगी में मिथुन अतुल से 20 साल बड़े हैं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के साथ श्रीदेवी और सलमान खान स्टारर फिल्म चांद का टुकड़ा भी रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।